नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 17 अगस्त 2023 की दोपहर 1:23 पर सूर्यदेव कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 16 सितंबर 2023 तक सूर्य सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इस एक महीने की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं और क्या क्या सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सूर्य ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक प्रभावशाली ग्रह भी माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब, हड्डी, आजीविका और पेट का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर भी सूर्य का ही प्रतिनिधित्व होता है। सूर्य की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर बली और मजबूत हो तो मकर राशि वाले जातकों कई प्रकार के सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। सूर्य अगर बली हो तो जातक के अंदर तेज, लीडरशिप क्षमता, आकर्षण क्षमता मौजूद होती है, यानी अपने अंडर में कई लोगों को कार्य कराने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। सूर्य अगर बली हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। सूर्य के मजबूत होने पर जीवन के हर क्षेत्रों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। वही सूर्यदेव यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित और कमजोर हो, हड्डियों में प्रॉब्लम, नसों में पीड़ा, पीलिया की समस्या, पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध खराब रहना, ये सारी समस्याएं सूर्य के खराब होने पर मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मकर राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके राशि के अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 17 अगस्त को आपके राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राशि के अष्टम भाव से आयु, जीवन, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन और असाध्य रोगों के बारे में जानकारी ली जाती है। अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे तो इसका आपके जीवन में कई प्रकार से सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और सावधानी भी रखना होगा। सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अष्टम भाव पर बुध आदित्य योग का निर्माण होने से मकर राशि के जातकों के जीवन में धन के मामले में बड़ी खुशखबरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पूर्व समयावधि से यदि आपके जीवन में कर्ज पूर्वक स्थिति चल रही है और यदि आप उसको चुकाने की कोशिश कर रहे हैं और कर्जों में चुकाने से यदि आपको नकारात्मकता हो रही है, तो सूर्य का यह परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मकता और धन में वृद्धि करा सकता है। खासतौर से ससुराल पक्ष या पैतृक रूप से धन लाभ प्राप्त होने की
विशेष संभावना दिखाई दे रही है। छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है, खास तौर से ऐसे जातक जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, गूढ़ विषय के शोध से जुड़ी हुई शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आठवें भाव पर सूर्य मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, आपके परिवार भाव को देखने वाले हैं। पारिवारिक संबंधों के मामले में मकर राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। उसमें कुटुंबी जनों का आपको भरपूर साथ और सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को सेहत के प्रति विशेष अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अष्टम भाव पर सूर्य की मौजूदगी आपके जीवन शैली और सेहत के मामले में प्रभाव डाल सकती है, इसलिए मकर राशि वाले जातकों को यात्रा के दौरान सतर्क रहना है और वाहन चलाते समय भी सतर्क रहना चाहिए। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में तले भुने भोज पदार्थों को खाने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचने की आवश्यकता मकर राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। यह समय आपके जीवन में काफी बेहतरीन स्थिति देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सूर्य की स्थिति को अनुकूल और मजबूत करने के लिए मकर राशि वाले जातकों को रविवार के दिन गेहूं, तांबा, गुड़ या खांड का जरूरतमंद लोगों में दान करना बेहतर रहने वाला है। दूसरा उपाय, पितातुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें और रोजाना सूर्योदय के पहले प्रतिदिन सोकर जरूर उठ जाएं। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः।